वॉचिंग मी ऑन फिट टेक। दोस्तों आज लेके आ गए हमारी आज की मंडे की पहली टेक और हार्डवेयर से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट्स को लेके। और दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, इंडिया में 54 एप्स को बैन कर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों वैसे तो आपको अपडेट मिल गया होगा, पर आपको मैं पूरी लिस्ट यहाँ पे शो कर देता हूँ। और दोस्तों सबसे ज्यादा लोगों की फेवरेट गेम फ्री फायर, गरीना फ्री फायर, दोस्तों वो भी बैन हो चुकी है इसके अंदर। अब दोस्तों इस अपडेट में आपको मैं बता दूं, गरीना फ्री फायर बैन हुई है। फ्री फायर मैक्स अभी भी अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर और ऐप स्टोर के ऊपर, तो जो भी लोग फ्री फायर खेलते थे उनके लिए मुसीबत आ गई है, क्योंकि दोस्तों ये सारी की सारी ऐप जो है वो डाटा लीक कर रही थी और चाइना के सर्वर्स के ऊपर भेज रहे थे, इसलिए ये बैन हो चुके हैं। और दोस्तों अगला अपडेट बता दूं निकल के आ रहा है जियो की तरफ से। दोस्तों जियो जो है जल्दी ही अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को लेके आने वाले हैं। दोस्तों उन्होंने आज पार्टनरशिप कर ली है SES के साथ में। दोस्तों वैसे बता दूं जियो जो है पहला नहीं है इंडिया में, पहले टेस्ला ने भी ये शुरू किया था। टेस्ला को गवर्नमेंट ने रोक दिया था क्योंकि उन्होंने लाइसेंस वगैरह नहीं लिया था, अदरवाइज जो है टेस्ला ने अभी भी फिर से काम शुरू कर दिया है। अब देखते हैं दोस्तों जियो कब तक लेके आता है और देखते हैं पहले कौन लेके आता है। और दोस्तों नॉइस की तरफ से आज उनकी कलर फिट ग्रैंड स्मार्ट वॉच, दोस्तों इसका नाम है प्लस ग्रैंड वॉच स्मार्ट वॉच। दोस्तों ये इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और आपको बता दूं इसके अंदर आपको 1.69 इंच की LCD डिस्प्ले मिलती है। दोस्तों डिस्प्ले सही है, वैसे बता दूं ये IPS LCD डिस्प्ले है, तो एमोलेड वाला तो आपको नहीं मिलने वाला है फ्लेवर इसके अंदर, पर इसके अंदर आपको जो है दोस्तों IP68 की रीडिंग मिल जाती है, तो वाटरप्रूफ और डस्ट रेसिस्टेंट है, ये काफी अच्छी है। आपको बता दूं इसके अंदर आपको 60 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं और दोस्तों 1000 प्लस आपको वॉच फेसेस मिल जाते हैं क्लाउड बेस्ड, तो काफी अच्छी बात है। आपको बता दूं दोस्तों 18 फरवरी को ये जाने वाली है सेल पे। और दोस्तों ये जो स्मार्ट वॉच है आपको बता दूं इसका जो प्राइस है वो है 3999 रुपीज का, पर ये पहले एक या दो दिन के लिए या कह लीजिए थोड़े दिनों के लिए आपको मिलने वाली है 1999 के ऊपर, यानी कि 2000 रुपीज में। तो दोस्तों काफी अच्छी आपको ये वॉच मिल रही है, काफी अच्छा प्राइस मिलेगा, फ्लिपकार्ट के ऊपर ये जाएगी सेल के ऊपर, तो जो भी लोग इसे ट्राई करना चाहेंगे उसे कर पाएंगे। और दोस्तों फाइनली आपको बता दूं आज निकल के आ गया है रेडमी की तरफ से 10 2022 का एडिशन अनाउंस कर दिया गया दोस्तों कंपनी की तरफ से। उन्होंने बस वेबसाइट के ऊपर लिख दिया, बेसिकली लॉन्च इवेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ, कुछ सामने नहीं आया, सिर्फ उन्होंने ऐसी बता दिया लिख के कि जी लॉन्च हो गया, इंडिया में अनाउंस हो गया। दोस्तों इसके अंदर आपको बता दूं 6.50 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले आई है और इसके अंदर आपको मिलता है MediaTek Helio G88 प्रोसेसर। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही निकल के आया है। अब दोस्तों यहीं पे अगर बात करूं मैं इसके कैमरा सेटअप की, तो 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का क्वाड कोर कैमरा सेटअप है। फ्रंट में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का और 4GB की रैम, 64GB का पहला वेरियंट है, 5000 mAh की बैटरी, 18W का फास्ट चार्जर है। दोस्तों आपको बता दूं इसका प्राइस और अवेलेबिलिटी ये दोनों ही अभी कंपनी की तरफ से नहीं पता चली है, जैसी पता चलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों अभी ट्राई की तरफ से ऑफिशियली कुछ ना कुछ कंफर्मेशन मिल रही है कि जो 5G के स्पेक्ट्रम्स हैं ये दोस्तों इनकी ऑक्शन हो सकती है मई के अंदर। अब दोस्तों देखते हैं एग्जैक्टली क्या निकल के आता है। वैसे अगर मई के अंदर हो सकते हैं तो जैसा मैंने बताया था लास्ट तक आते आते तो 5G सर्विस कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। और दोस्तों आप बता दूं पोको की तरफ से आज पूरा प्लान निकल के आ रहा है और पोको की तरफ से दोस्तों कंफर्मेशन मिल रही है कि पोको जो है वो अपनी सारी की सारी सीरीज के अंदर कोई ना कोई नए फोन लेके आने वाले। उन्होंने कहा है कि फर्स्ट हाफ तक वो लगभग सभी सीरीज में कोई ना कोई नया फोन लेके आने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों, आपको बता दूं इनके पास सभी 4 या 5 सीरीज है, एफ सीरीज है, एक्स सीरीज है, एम सीरीज है, सी है और एक्स है, तो ये सीरीज है कुछ इनके पास और इनमें सभी में एक एक नया फोन आने वाला है। और दोस्तों फाइनली आज इन्फिनिक्स की तरफ से 0 5G ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है। दोस्तों आपको बता दूं इसका प्राइस निकल के आया है 19999 रुपीज का। अब दोस्तों जो भी लोग इसे फ्लिपकार्ट से परचेज करेंगे, आपको बता दूं उनको पहले 7 डेज के लिए ऑफर है, पहले 7 दिन में जो भी लोग खरीदेंगे उनको ऑफर मिलेगा कि आपके फोन खरीदने के 7 दिन बाद आपको एक उनकी तरफ से TWS सिर्फ 1 रुपये में मिलेंगे, 1 रुपये के अंदर। दोस्तों काफी अच्छी ऑफर है। अब आपको बता दूं दोस्तों इसके अंदर आपको सारी स्पेसिफिकेशन मैंने पहले बता रखी है, 6.78 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले आएगी जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट आएगा इसके अंदर और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर साइड में ट्रिपल रियर साइड कैमरा है। और दोस्तों यहीं पे आपको बता दूं 8GB 128GB का पहला वेरिएंट है इसका, आपको इसके अंदर एंड्रॉइड 11 ही मिलता है, तो दोस्तों काफी अच्छा फोन है, जो भी लोग इसे ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, 5000 mAh की बैटरी है और 33W का फास्ट चार्जर। और दोस्तों यहीं पे आपको बता दूं फ्लिपकार्ट की तरफ से आज नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, सेल बैक का प्रोग्राम।
दोस्तों इसके अंदर जो है आपको एक ऐप मिल जाएगी, हो सकता है उसी के अंदर मिल जाए या फिर अलग से ऐप मिल जाएगी, उसमें जो है आप अपने स्मार्टफोन्स को बेच सकते हो। दोस्तों काफी अच्छी बात है, देखते हैं क्या एग्जैक्टली ये कैसे काम करेगी। और दोस्तों अपडेट निकल के आया है मोटोरोला की तरफ से, दोस्तों मोटोरोला एज 30 प्रो। दोस्तों ये जो 5G फोन आने वाला है, आपको मैंने बताया था 8 जेन 1 के ऊपर आएगा इंडिया में। अब दोस्तों आप बता दूं ये 24 फरवरी को आने वाला है, लेकिन इसका प्राइस निकल के आ गया सामने। और दोस्तों इसका जो प्राइस आपको पड़ेगा इंडिया के अंदर, दोस्तों रिपोर्ट्स के हिसाब से 55999 का पड़ेगा, यानी कि 56,000 रुपीज का। अब दोस्तों चाइना में जो लॉन्च हुआ था उसके अकॉर्डिंगली प्राइस बताऊं तो वहां पर था 38,000 और समथिंग, तो मुझे लग रहा था कि शायद 45 से 50 के बीच में आएगा, पर थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी देखते हैं दोस्तों एग्जैक्टली क्या निकल के आता है। और दोस्तों अब बारी होती है ऑटो न्यूज की, ऑटो न्यूज में सबसे पहला अपडेट बता दूं निकल के आ रहा है दोस्तों टाटा की तरफ से, टाटा नेक्सॉन दोस्तों लॉन्ग रेंज टाटा नेक्सॉन ईवी, ये दोस्तों ने कहा है कि ये अप्रैल में आएगी, तो अभी जो है हमें वेट करना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों यहीं पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है मर्सिडीज की तरफ से, मर्सिडीज दोस्तों एस क्लास, इसका इंडिया में लॉन्च होगा दोस्तों मार्च 3 को। दोस्तों इसके अंदर दो गाड़ियां आ सकती हैं, देखते हैं S580 और S680 ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, बाकी देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगला अपडेट भी दे दूं इसी के साथ में, जीप की तरफ से निकल के आ रहा है, जीप मेराडाइन SUV है दोस्तों जो इंडिया में आनी थी। आपको बता दूं उन्होंने कहा है कि ये मिड 2022 तक आएगी, पर आपको बता दूं दोस्तों इसके ऊपर टेस्टिंग वगैरह बहुत चल रही है, और इवन ये गाड़ी जो है इंडिया में टेस्ट करते हुए इसको 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा चलाया जा चुका है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये जा चुकी है ऑलरेडी, तो काफी इंडिया घूम रही है। और दोस्तों लास्ट अपडेट बता दूं निकल के आ रहा है होंडा की तरफ से, CB500X दोस्तों इसका प्राइस जो है 1 लाख रुपीज कम हो चुका है, पहले ये 6,89,000 और समथिंग के करीब आता था, अब ये 5,79,000 के करीब आएगा, तो जो भी लोग इसे ट्राई करना चाहते हैं उसे कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट्स यहीं पे होते हैं, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।